विवेक हत्याकांड में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, करीब से मारी गई थी गोली। यूपी के कानून मंत्री बोले, पुलिस कर्मियों को छोड़ेंगे नहीं। रफाल को लेकर शिवसेना का केंद्र सरकार पर वार, मुखपत्र सामना में रफाल सौदे को बताया वो फोर्स का बाप, लिखा रफाल ज्यादा बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल का आज अंतिम दिन, सीजीआई को दी जाएगी विदाई, जस्टिस रंजन गोगोई लेंगे दीपक मिश्रा की जगह। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का पाकिस्तान पर करारा वार, कहा पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं, इमरान खान को बताया पाकिस्तान का चपरासी। आज हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, पीएम के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। दिल्ली के तैमूर नगर में ट्रक तस्करों ने एक युवक को मारी गोली, घटना से गुस्साए लोगों ने किया बवाल, ट्रकों में लगाई आग, पुलिस पर भी किया पथराव। राजस्थान के बाद अब एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गौ मंत्रालय बनाने का किया दावा, गायों के लिए गौ अभ्यारण और गौशाला बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तैनात एसडीएम ने खुद को मारी गोली, बेटे की बीमारी और वर्क प्रेशर से थे परेशान। गुजरात में गिरवन से शेरों की मौत के बाद 26 शेरों को बचाव केंद्र भेजा गया, पिछले दिनों गिर अभयारण्य में हुई थी 14 शेरों की मौत। और सितंबर के साथ ही खत्म हुआ मानसून का सीजन, मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य से 9% कम हुई बारिश, 69% हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। पाकिस्तान का झूठ फिर हुआ बेनकाब, पाकिस्तान के मंत्री ने आतंकी हाफिज सईद के साथ मंच किया साझा, तस्वीरें आई सामने। अमेरिका और चीन में फिर बढ़ सकता है तनाव, दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों में देखा गया अमेरिकी वायुसेना का एक विमान। ईरान के कई प्रांतों में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत, 302 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच जारी। पूर्वोत्तर जापान में तूफान ट्रॉमी का कहर, 2 लोगों की मौत, 120 लोग घायल, इस सीजन का यह 24वां तूफान है। अमेरिका और कनाडा के बीच उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति, अगस्त में मेक्सिको और अमेरिका के बीच हुई थी नाफ्टा डील। गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 89 अंक गिरकर 36,137 पर पहुंचा, निफ्टी 51.85 अंकों की गिरावट के साथ 10,878 पर कर रहा है कारोबार। तेल की कीमतों में इजाफा जारी, पेट्रोल की कीमतों में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 32 पैसे तक का हुआ इजाफा। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 2.89 रुपए की बढ़ोतरी, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 59 रुपए महंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक समीक्षा में कर सकती है ब्याज दरों में बढ़ोतरी, 0.25% की हो सकती है बढ़ोतरी। और SBI ने ATM कैश निकासी सीमा में की बड़ी कटौती, अब एक दिन में निकाल सकेंगे अधिकतम 20,000 रुपए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।